नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राजा पटेरिया के बिगड़े बोल का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था, जिसको लेकर प्रदेश सहित देश में राजनीति गर्मा गई है और मुख्यमंत्री गृह मंत्री ने वीडियो जारी कर मामला दर्ज कराने की बात कही थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया एवं पवई बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने पवई पुलिस थाने पहुंचकर नारेबाजी करते हुए राजा पटेरिया पर मामला दर्ज करने आवेदन दिया। साथ ही लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री द्वारा भी आपराधिक प्रकरण दर्ज करने आवेदन किया है। दोनों आवेदनों पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। पवई पन्ना, मध्य प्रदेश। राम सिंह, संवाददाता। आवेदन दिया है, आवेदन पर से वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कल राजा पटेरिया जी द्वारा जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने के लिए कहा गया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है आप सभी लोगों के पास, उसी के संदर्भ में हम आज एक रिपोर्ट करने आए हैं और कार्रवाई चाहते हैं कि मुकदमा कायम हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और ये कांग्रेस की मानसिकता है, आप देखिए कितना जहर भरा हुआ है कि करोड़ों करोड़ जनता के नेता कह रहे थे, जो विश्व के आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं उनके लिए ऐसी सोच, इस तरह के खसेंट रचे जा रहे हैं। अभी एक चैनल में देख रहा था राजा पटेरिया जी का, उसमें कह रहे थे कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में गया था। तो भारत जोड़ने गए थे आप कि तोड़ने गए थे वहाँ पर? और क्या वहाँ भारत जोड़ो यात्रा में ये चर्चाएं हो रही थी आपके नेताओं द्वारा कि माननीय प्रधानमंत्री की हत्या कराई जाना है? जो आज यहाँ आपके अंदर भरा हुआ है वो बाहर निकल के आ रहा है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी की आप हत्या कराएंगे या हत्या करवाएंगे, ये घोर निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं कार्रवाई चाहता हूं। आज आप देखिए विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, मोदी 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 के नारे लगते हैं। आज कितनी गरीब कल्याणकारी योजनाएं चली हुई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आपकी संबल योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ हो, मुद्रा, कितने योजनाएं, सैकड़ों योजनाएं चल रही है जिससे देश आगे बढ़ रहा है। इसमें आप क्या चाहते हैं जो आज आप? इसमें हम कार्रवाई चाहते हैं, मुकदमा कायम हो, बंद हो राजा पटेरिया जी, जो इस तरह की सोच के लोग हैं और ये पूरे कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी और राजा पटेरिया को क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहिए, राजा पटेरिया जी 98 से 93 तक मध्य प्रदेश शासन में मंत्री थे और दुर्भाग्य कह लीजिए, संयोग तो नहीं कहूंगा, दुर्भाग्य कह लीजिए, इसी पन्ना जिले के प्रभारी थे। एक उपलब्धि बता दे वो पन्ना जिले के लिए कि मैंने पन्ना जिले का प्रभारी मंत्री रहते हुए मैंने ये निर्माण कार्य, कोई अच्छा कार्य, कुछ भी एक उपलब्धि पन्ना जिले के लिए बताया।